1 फरवरी 2020 निर्मला सीतारमण जी का आज तक का सबसे लंबा भाषण 2 घंटे 40 मिनट। तभी भाषण को बीच में अधूरा छोड़ा गया, कुछ पॉइंट्स को बाद में प्रेस रिलीज के लिए रखा गया है। देखते हैं इस बजट में क्या क्या चीज़ें रही, क्या क्या हाईलाइट्स रही, बाजार ने कैसे रिएक्शंस दिए, शेयर बाजार ने इसको कैसे लिया, लोगों ने इस बजट को कैसे लिया, इसको चर्चा करते हैं इसके ऊपर। दोस्तों कुछ टाइम पहले जाने की कोशिश करते हैं। मैं कितने दिनों से लोगों को कह रहा हूँ, जिन दिनों निफ्टी 11,600-11,700 के आसपास चल रही थी, हमारा विश्लेषण बिल्कुल ही क्लियर था, बहुत सिंपल था। हम लोग ऑप्शन चेन को देखते हैं, हम डेटा एनालिसिस करते हैं, चार्ट स्टडी भी करते हैं, सारे पैरामीटर्स को देखने के बाद बहुत क्लियर हमारा निष्कर्ष था कि निफ्टी ने अगर गिरावट की शुरुआत करनी है तो निफ्टी को पहले 12,350 या 12,400 के लेवल को टच करना होगा और वहाँ से बाजार में गिरावट शुरू हो जाएगी। एक और चीज़ थी जो अपने चैनल पे बहुत टाइम से कह रहा था कि दोस्तों मैं अपना सारा इक्विटी बेच के बैठा हूँ और बजट के बाद डिसाइड करेंगे कि इक्विटी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट किन स्टॉक्स में करनी है और क्यों करनी है। तो बजट का एनालिसिस करने के लिए मैं वेट कर रहा था और आज का दिन बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही साबित हुआ जैसा हमने सोचा था। दोस्तों आज शेयर बाजार में ब्लड बाथ जिसे हम कहते हैं, आज ब्लैक फ्राइडे नहीं था, ब्लैक मंडे नहीं था, आज ब्लैक सैटरडे रहा। दोस्तों ऐसा कभी कभी होता है जब स्टॉक मार्केट सैटरडे को खुलती है। जी हाँ, बजट का ऐतिहासिक दिन और शनिवार का आज का दिन था जो हम स्टॉक मार्केट को खुलते हुए हमने देखा और बाजार बिल्कुल लहू लुहान होते हुए, ब्लड बाथ ऑन द स्ट्रीट, जो कैपिटल मार्केट की एक कॉमन स्टेटमेंट है, बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है। ये कैसे संभव होता है दोस्तों? देखिए, अगर आप डेटा को रीड करना जानते हैं, अगर आप अपने चार्ट्स को ढंग से रीड कर लेते हैं, अपनी स्टडी अच्छे से कर लेते हैं, आप सेंटीमेंट्स को काबू में पा लेते हैं, अपने एजुकेशन को अगर समझ पाते हैं, जो आपने चीज़ें पढ़ी हैं समझी हैं, उनका विश्लेषण स्टॉक मार्केट से रिलेट कर पाते हैं, तो आप एक अच्छी स्टडी कर सकते हैं, एक अच्छा अनुमान लगा सकते हैं बाजार किस तरफ चलने वाला है। दोस्तों ये अनुमान हम बहुत टाइम से कह रहे थे, जहां बहुत बहुत पुराने धुरंधर, बाजार के पुराने विशेषज्ञ, बहुत सारे मीडिया नेटवर्क्स पे आने वाले लोग, सोशल मीडिया पे, न्यूज़ चैनल्स पे, जगह जगह बात हो रही थी कि निफ्टी नया हाई बनाएगी, निफ्टी यहां से वहां निकल जाएगी, निफ्टी 13,000 छू जाएगी, निफ्टी 12,700 छू जाएगी। बट हम बहुत क्लियर थे, जैसे ही निफ्टी 12,400 के घर को छुएगी वो एक सप्लाई जोन का काम करेगा, वहां से बाजार को गिरावट का सिलसिला देखने को मिलेगा। दोस्तों आज सुबह की पोस्ट को आप देख सकते हैं, जब बाजार खुलने से पहले मैंने अनाउंस कर दिया था कि अगर बजट बिल्कुल भी बाजार के फेवर में नहीं रहा तो कम से कम 5-10% की निफ्टी में गिरावट देखने को मिलेगी और 3-3% के आसपास की गिरावट तो आज ही देखने को मिली है। और दोस्तों अगर आप इतिहास में जाएंगे तो आप देख के पाएंगे कि जो बजट की रैली होती है कम से कम एक हफ्ते तो रहती ही रहती है और वो रैली कभी कभी एक महीने तक एक्सटेंड हो जाती है। तो अगर बाजार में ये भी देखने को मिला है कि अगर बजट से पहले जो प्री बजट रैली होती है अगर वो 5-10% हाइक की होती है तो वही रैली रिवर्स हो जाती है अगले एक महीने के लिए, वो रैली रिवर्स में आ जाती है, प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो जाती है। अगर प्री रैली पॉजिटिव रहती है तो आफ्टर पोस्ट बजट रैली नेगेटिव रह जाती है। बाजार ने आज गिरावट का सामना क्यों किया, बाजार में ब्लड बाथ क्यों किया, ये देख लेते हैं कौन से फैक्टर्स रहे जिसकी वजह से हमें ये सब देखने को मिला। दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ थी कि बाजार में शायद हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, हम कहें मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि शायद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को हटा दिया जाएगा, जो नहीं हुआ, जो बहुत बड़ा कारण रहा। दोस्तों एक और हाईलाइट रही कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को हटा दिया गया। कितनी बड़ी न्यूज़ थी, कितनी बड़ी न्यूज़, सभी न्यूज़ चैनल्स में बहुत ही स्वागत किया गया कि ब्रेकिंग न्यूज़, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को हटा दिया गया। पर दोस्तों इसको समझने वाली बात है कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स का बोझ अब किसके ऊपर आ गया है। जो कंपनीज आपको डिविडेंड पे करती थी ये टैक्स उनके ऊपर लगता था पहले, अब उनके ऊपर से इस टैक्स को हटा के इस टैक्स को ट्रांसफर कर दिया गया है आपके ऊपर। जी हाँ, अगर आप ऐसी कंपनी में निवेश करते हैं जो कंपनी आपको डिविडेंड पे करती है तो वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अब आपको पे करना होगा, आम निवेशक को पे करना होगा, जो लोगों को पसंद नहीं आया। और मोटा मोटा ये जो बजट आज का रहा दोस्तों बिल्कुल कॉमन मैन के आसपास था, एजुकेशन के ऊपर पैसा लगाया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी बहुत सारी स्कीम्स लगाई जा रही हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं दिखा जिससे हम इक्विटी मार्केट्स को सपोर्ट करते हुए दिखाई देते, ऐसा कुछ भी नहीं था कि जिसकी वजह से बाजार में एक नई तेजी का संकेत दिखाई देता। दोस्तों हम वैसे ही, जो हमारी इकॉनमी है वो 4% से नीचे में है और फिजिकल डेफिसिट का जो अनुमान है, वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण जी ने ये अनुमान लगाया है कि जो पहले जो फिजिकल डेफिसिट था हमारा 3.3% के आसपास का अनुमान था, उसको बढ़ा के 3.8% के आसपास कर दिया गया, मतलब हम वहां भी कमजोरी महसूस कर रहे हैं।
और हमारी जो पुरानी स्कीम्स हुआ करती थी मेक इन इंडिया, वो बहुत ज़्यादा अच्छे पैमाने पे अभी तक नहीं सफल हो पाई हैं, जिनके ऊपर काम करना होगा। बहुत सारे प्रॉमिसेस किए गए हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस रखे गए हैं जो आने वाले 3 से 4 साल में जिनका हमें असर देखने को मिलेगा। दोस्तों, बाजार सुप्रीम है, मार्केट सुप्रीम है, ये बिल्कुल फैक्ट है। और मार्केट ने कहा कि अगर सरकार ये सोच रही है कि हम आने वाले 3 से 4 साल में ग्रोथ की पटरी पर आ जाएंगे, तो बाजार ने भी कहा कि ठीक है, हम भी स्लोली स्टेडिली ही रेस को विन करेंगे, हम भी धीरे धीरे ही में आएंगे। तो बाजार में प्रॉफिट बुकिंग चौतरफा देखने को मिली, ना ही एफआईज के लिए बहुत सारी अच्छी न्यूज थी, ना ही डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छी न्यूज थी। तो बाजार ने ओवरऑल इसको विश्लेषण जैसे ही किया, ये आपके सामने था। दोस्तों, बाजार क्या है? बाजार आपके और मेरे सेंटीमेंट्स का एक आईना है। हमने हमेशा से सुना है कि मार्केट सेंटीमेंट्स पे ज्यादा रूल होती है, क्योंकि अगर हमें जरा सा भी लगता है कि बाजार में कुछ भी अंदाजा हो जाए कि कोई बैड न्यूज आ सकती है, तो बाजार में सेलिंग स्टार्ट हो जाती है। और हमें जरा सा भी अंदाजा हो जाए कि कुछ अच्छा हो सकता है, तो बाजार में बाइंग शुरू हो जाती है। तो एक्चुअल में बाजार में सेंटीमेंट्स बहुत बड़े रोल प्ले करते हैं। तो आज हमने देखा कि पूरी मार्केट का, पूरे निवेशक जगत का जो सेंटीमेंट था वो नेगेटिव रहा। लोगों को जो उम्मीदें थी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स हटा दिया जाएगा, वो चीज़ नहीं हुई। लोगों को लग रहा था कि हाँ, एक और चीज़ बहुत बड़ी रही जो इनकम टैक्स स्लैब्स को लेकर रही, डायरेक्ट टैक्सेस की हम बात करते हैं, बहुत अच्छी चीज़ें रही। पर यहाँ पे ध्यान से देखने वाली बात है कि 2 टैक्स रिजीम्स बना दी गई हैं। एक तो वही है जो पुरानी, जहाँ पे आप अपना इनकम कमाते थे उसके ऊपर एक टैक्स पे करते थे, एक पर्टिकुलर स्लैब्स के अंदर में। आप उस टैक्स को बचाने के लिए ATC, ATD और बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस होते थे जहाँ पे अपनी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, जहाँ पे आपको टैक्स रिबेट्स मिलते थे, टैक्स इवेजन आप कर सकते थे। पहले जहाँ 2.5 लाख रुपये तक आपको कोई टैक्स नहीं पे करना होता 2.5 लाख रुपये तक के इनकम में, वही उस इनकम स्लैब को बढ़ा के 5 लाख कर दिया गया। बहुत शानदार सराहनीय कदम है, जिसमें जो जितने भी मीडियम क्लास के हमारे वर्कर्स हैं, जो मीडियम इनकम ग्रुप में आते हैं, जिनकी तनख्वाह सालाना 5 लाख रुपए तक है, उनको कोई टैक्स पे नहीं करना। जो पहले 2.5 लाख था उसको बढ़ा के 5 लाख तक कर दिया गया। दूसरा जो टैक्स स्लैब है दोस्तों, 5 लाख से 7.5 लाख किया गया, जहां पे आपको मात्र 5% टैक्स देना होगा। पहला स्लैब रहा 5 से 7.5 लाख, जो आपको 10% टैक्स देना है, पहले उस पे आपको 20% टैक्स के दायरे में वो आते थे। दूसरा स्लैब रहा हमारा 7.5 लाख से 10 लाख का, जहां पे आपको 15% टैक्स पे करना है। तीसरा हमारा स्लैब रहा 10 लाख से 12.5 लाख का, जहां पे हमें 20% टैक्स देना होगा। चौथा हमारा स्लैब रहा 12.5 लाख से 15 लाख रुपए तक की सालाना इनकम पे, जिसपे हमें 25% टैक्स देना, और उससे ऊपर सबको 30% टैक्स देना है, वो बिल्कुल सेम है। दोस्तों, कैच क्या है यहां पे? कैच ये है कि सरकार का ये मानना है कि लोगों को अगर टैक्स कम पे करना पड़ेगा तो लोगों की बाइंग परचेजिंग पावर, जिसे हम कहते हैं बाइंग पावर, वो बढ़ेगी। वो बाजार में पैसा आएगा, स्टॉक मार्केट में पैसा आएगा, या कंजम्पशन में पैसा लगाएंगे, इकोनॉमी को सर्कुलेट करने में वो कामयाब होंगे। बट समझने वाली बात क्या है, जो नया टैक्स रिजीम है, अगर आपने जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स पहले के रिजीम्स में करते थे, पहले के स्लैब्स में करते थे, वहां पे आपको ATC, ATD और बहुत सारी स्कीम्स के लाभ आपको मिलते थे। नई स्कीम्स में आपको ये कोई भी बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेंगे, आपको फ्लैट आपकी इनकम के ऊपर में टैक्सेशन कैलकुलेट होंगी। ये अभी चर्चा का विषय है, इसके ऊपर काम करना है, इसके ऊपर हम दोबारा कभी आएंगे। पर हाँ, मोटा मोटा ये समझा जा रहा था कि अगर लोगों के पास पैसा बचेगा, लोगों के पास स्पेंडिंग पावर बढ़ेगी, तो शायद वो स्टॉक मार्केट में भी आएंगे। बट ऐसा होता दिखाई दे नहीं रहा है। दोस्तों, अगर ऐसा होता तो आज बाजार में बाइंग दिखाई दे रही होती। बट चौतरफा सेंसेक्स के 30 में से 26 शेयर्स रेड में थे आज। दोस्तों, दो चीजें और प्रपोज हैं। एक है IDBI बैंक, जिसमें सरकार स्टेक सेल करने की बात कर रही है। दूसरा है LIC, जिसमें भी गवर्नमेंट अपना स्टेक बेचेगी, और उसके LIC के IPO की भी आने की तैयारी हो सकती है। दोस्तों, देखिए, सरकार पैसा इकट्ठा करने के लिए डिस इन्वेस्टमेंट करती है। जितनी भी सरकारी कंपनियां होती हैं उनमें अपना स्टेक सेल करती है, ठीक है। स्टेक सेल करने के मामले में अगर देखें, पिछले साल से अब तक अभी कुल मिला के 12 से 15 हज़ार करोड़ का ही स्टेक सेल हुआ है, जबकि इस साल इनका प्रोविजन है जो हमारी सरकार ने सोचा है कि हमसे 1 से 1.25 लाख करोड़ का हम स्टेक सेल करेंगे। इसको एक ये भी नज़रिया देखने आया है कि सरकार को अपनी इक्विटी बेचनी पड़ रही है पैसा इकट्ठा करने के लिए। मतलब या तो सरकार के पास पैसे की कमी है, या सरकार को बाकी चीज़ों पे कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम है, मालूम नहीं। इसके ऊपर थोड़ा सा एक्चुअली ये कन्फ्यूजन का विषय है। एक धड़ा कहता है पॉजिटिव है, एक धड़ा इसको नेगेटिव कहता है। दोस्तों, अब समझने वाली बात है कि बाजार की अगली चाल होगी क्या। 12,400 के ऊपरी स्तरों से निफ्टी गिरते हुए आज 11,600 के आसपास बाजार ने टच किया। ये गिरावट का सिलसिला आगे भी जारी रह सकता है, ये विश्लेषण का विषय। इस पर हम और एनालिसिस करेंगे, और आगे आने वाले अपने लाइव सेशंस में आपके लिए जो लेवल एनालिसिस है या जो मार्केट एनालिसिस है वो करते रहेंगे। दोस्तों, एक पुरानी स्टेटमेंट है जो आपने सुनी होगी कि आपको बाय ऑन रूमर्स एंड सेल ऑन न्यूज़।
आज एक बहुत बड़ी न्यूज थी, न्यूज के ऊपर सेल हो रहा है। अगर आपको लगता है कि इसमें से कोई सेक्टर चमत्कारी हो सकता है या मल्टी बैगर हो सकता है, आपको बहुत अच्छी रिटर्न्स दे सकता है, तो इस बजट को दोबारा से विश्लेषण कीजिए, पॉइंट बाय पॉइंट पढ़िए। अभी एक प्रेस नोट आना बाकी, हम भी पढ़ेंगे, हम भी इसके विश्लेषण करेंगे, उसके बाद देखिए किस सेक्टर के ऊपर काम हो सकता है, किस सेक्टर में आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ट्रेडिंग के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, जो मंदड़िए हैं, जो मंदी खेलते हैं, जो शॉर्ट खेलना पसंद करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। बहुत दिनों से हम कह रहे थे लॉन्ग करने वालों को, मैं कहूंगा प्लीज अभी लॉन्ग करने का मार्केट नहीं है, थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए, स्टडी कीजिए, सिट बैक, काम डाउन। बाजार कभी नहीं भागेगा दोस्तों। जब निफ्टी 2000 हुआ करती थी, वहां से 6000 हुई, 6000 से फिर 2000, 2000 से आज 12000 है। हमेशा लीप्स एंड बाउंस से मार्केट बढ़ती है, वैसे ही लीप्स एंड बाउंस से मार्केट गिरती भी है। तो मार्केट आपको हमेशा अपॉर्चुनिटी देगी, कभी भी भागती हुई गाड़ी के पीछे मत भागिए, आपको चोट लग सकती है, दैट कुड बी फैटल ऑल्सो। तो इस मार्केट में अगर आपको लगता है यहां बाजार गिर रहा है, बेच के पैसा कमा ले, तो भी खतरनाक हो सकता है। अगर बाजार ने किसी भी एक अच्छी पॉजिटिव न्यूज के ऊपर रिएक्ट किया, बाउंस बैक आया, तो आप फिर फंस सकते हैं। तो इसलिए बाजार का अच्छे से एनालिसिस कीजिए, अपनी स्टडी को देखिए, बाजार को थोड़ा काम डाउन होने दीजिए, इस हीट को, जो न्यूज है, कम से कम एक हफ्ता इसको सेटल होने दीजिए, उसके बाद देखिए कहां पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसके बाद ही अपना निवेश कीजिए या अपना ट्रेडिंग प्लान बनाइए। और दोस्तों एक जो गोल्डन रूल मैं आपको कहना चाहूंगा कि कभी भी अपनी पूरी कैपिटल को ट्रेडिंग में मत लगाइए। अपनी कैपिटल का सिर्फ 10 से 12 या 15% पैसे को ही ट्रेडिंग में लगाइए। ज्यादा रिस्क एपेटाइट है आपका तो 20-25% ले लीजिए, उससे ज्यादा ट्रेडिंग में मत लगाइए। बाकी कैपिटल आपका हमेशा सेफ होना चाहिए अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए। और हर गिरावट एक अपॉर्चुनिटी होती है। मैं इस अपॉर्चुनिटी की वेट कर रहा था पिछले 4 महीने से, और मैं लोगों को कह भी रहा था मैं अपनी चीजें चुनने वाला हूं। आप अपनी चीजें चुनिए, एनालिसिस कीजिए, स्टे सेफ, ट्रेड सेफ। ऑल द बेस्ट।